का स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक कर दी गई है। सरकार की ओर से कुछ पहलुओं को अभी गुप्त रखा गया है, लेकिन सवाल ये उठता है जो चीजें सार्वजनिक कर दी गई उनमें से एक खास बात ये कही गई है कि राजकुमार सैनी जिनका नाम लिया गया, बार बार जो आंदोलनकारी थे वो भी नाम लेते थे, बार बार ये कहा जाता था इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। क्या सरकार अगर कार्रवाई कर देती और अगर इनकी जुबान को बंद करा दिया जाता या फिर जिस तरह के बयान वो दे रहे थे उन्हें कम करवा दिया जाता तो क्या हिंसा नहीं होती? वीरेन जी, आपसे मैं सवाल करूंगा, क्या राजकुमार सैनी जी के मामले में आप लोग थोड़ा सा पशुपेश में पड़े रहे? एक तो आपके नेता हैं, ओबीसी समाज के बड़े नेता हैं, सपोर्ट बड़ा अच्छा है, आप उन पर कार्रवाई नहीं कर पाए, वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं थे, इस वजह से भी हिंसा भड़क गई? देखिए, जहां कहीं राजकुमार सैनी जी ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया वहां पर पार्टी ने ताकीद उनको किया, उनको शो कॉज नोटिस भी दिया, परंतु प्रतिपक्ष ने और आंदोलनकारियों के एक तबके ने जो प्रदेश को आग में झोंकना चाहता था केवल और केवल राजकुमार सैनी जी के बयानों का बहाना बनाना शुरू कर दिया। मूल मसला राजकुमार सैनी जी के बयान हो ही नहीं सकते। किसी किसी भी एक व्यक्ति के बयानों को इस बात का आधार बना करके कोई पेश करे कि उनके कारण से आंदोलन हो गया, क्या राजकुमार सैनी के कारण से आंदोलन हुआ? नहीं, ये देखिए, मुझे प्रश्न मुझसे पूछा गया, एक मिनट तो मुझे तो पूरा मैं आपके पास ही आऊंगा, लेकिन एक बात मैं रोकना चाह रहा हूं बस आपको। मूल मसला ये नहीं हो सकते, लेकिन प्रकाश सिंह कमेटी जो सरकार ने बनाई थी, आपकी सरकार ने बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट में ये बात लिखी गई है, ये अध्ययन करने के बाद ये कपोल कल्पित बात नहीं है कि राजकुमार सैनी जी की बयानों की वजह से हिंसा भड़की है, ये कमेटी की रिपोर्ट में लिखा गया है। मैं फिर कह रहा हूं कि राजकुमार सैनी जी के बयानों, कथित बयानों की भी भूमिका हो सकती है हिंसा भड़काने में, परंतु वही एक कारण था ये कह करके और उसका ठीकरा भाजपा पर फोड़ना, ये अतिरंजना है, इसको समझने की जरूरत तो आप है। क्या कहना चाहते हैं? सुनिए तो सही, मुझे कहने दीजिए। अब मैं क्या कहना चाहता हूं आप मुझे कहने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आप उस सारे परिदृश्य को देखिए, ये आंदोलन की धुरी कहां थी? ये उस क्षेत्र में आंदोलन की धुरी बनी जिस क्षेत्र में थोड़े दिन पहले तक, हमारे सत्ता में आने से पहले तक, राजनीति का ध्रुव था, केंद्र था। उन लोगों को, उस क्षेत्र के जो लोग राजनीति में थे, जिन्होंने सत्ता को 10 साल एंजॉय किया, उनको हजम ही नहीं हो रहा था कि सरकार ठीक रास्ते पर जा रही है। वो भी सत्ता में थे उससे पहले, उस दौरान तो रोहतक में कहीं कुछ इस तरह का नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के इस सरकार के खिलाफ एक सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र था। उस सारे में से कहीं भूमिका राजकुमार सैनी जी की कुछ तल्ख टिप्पणियों की भी होगी, हम इनकार नहीं करते, हमने अस्वीकार, हम इसको सिरे से नकार नहीं रहे हैं, परंतु राजकुमार सैनी जी का नाम लेके हमारे कुछ प्रतिपक्षी नेता वो अपने आप बच करके निकलना चाहे पत्री गली से संभव नहीं है। चलिए, उनको भी ऑन करना चाहिए अपनी जिम्मेदारी, आए ऑन करें। मेरे कुछ प्रश्न है वीरेंद्र जी से। सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि आप बार बार बोल रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र था, ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ? मुझे एक बात बताइए, जब से आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है, जब से उन्होंने, तब से आपका जाट आरक्षण पर स्टैंड क्या था, ये आप मुझे बताइए। दो आप नहीं, मुझे लेट मी कंप्लीट, नहीं नहीं लेट मी कंप्लीट। 2 मई आप प्रकाश सिंह जी की कमेटी में 2 मई से जो है राजकुमार सैनी के बयान दिए गए हैं जिसमें वो बार बार बात करते हैं कि जाट आरक्षण नहीं दिया जाएगा। वहीं पर वीरेंद्र सिंह जी क्या बोलते हैं, केंद्रीय मंत्री, कि हम कैसे भी करके जाट आरक्षण लेंगे। संजीव बालियान भी बोलते हैं कि हम भी आरक्षण, हम कैसे भी करके आरक्षण लेंगे। कैप्टन नहीं कहा कि जाट आरक्षण ना दिया जाए। राजकुमार सैनी ने बार बार अपने बयानों में ये कहा है कि हमारा अधिकार न छीना जाए, हमारा अधिकार न छीना जाए, बाकी जो है जाट आरक्षण, यानी कि दो जो है अलग अलग बातें हो गई ना। एक कह रहे हैं कि हम कैसे भी करके जो है हमारे यहाँ पर जो है जाट आरक्षण नहीं देंगे, और दूसरे कह रहे हैं कि जाट आरक्षण लिया जाएगा। लेट मी कंप्लीट प्लीज। आप ये मुझे बताइए यहाँ पर आपका स्टैंड क्या था, क्या आपकी पार्टी ने कहीं पर भी स्टैंड दिया? चलिए स्टैंड पहला प्रश्न ही पूरा नहीं हुआ मेरा, मुझे एक बात बताइए। नहीं, जब जाटों ने बात की कि हम जो है अपना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो उस समय आपके प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी का क्या बयान आता है कि अगर जाटों को आरक्षण चाहिए तो शांति से ले, रेल को नहीं रोके। यानी कि आप तब भी क्लियर नहीं कर रहे थे कि आप आरक्षण देंगे या नहीं देंगे। चलिए जवाब लीजिए, जवाब लीजिए फिरेंद्र जी। कहीं भी एक दिन, एक घंटे या एक मिनट के लिए जाट आरक्षण के प्रश्न पर भारतीय जनता पार्टी के राज्य या केंद्र के नेतृत्व के मन में कोई संशय नहीं था। हमने पिछली कांग्रेस की सरकार जैसा कैसा टूटा फूटा आरक्षण का प्रावधान करके गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट से ध्वस्त हुआ। हमने उसको एक, देखिए वंदना जी ये गलत तरीका है, मैं ये कह रहा हूं कि हमने उसको भी बचाने की कोशिश की। जब वो फिर से ध्वस्त हुआ, अपील में भी बात नहीं बनी,
तो उसके बाद पहले ही दिन से शुरुआत से केंद्रीय नेतृत्व ने भी भारतीय जनता पार्टी के भी और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी यह कहा था कि हम आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसके लिए काम करेंगे। अब प्रक्रिया शुरू हो गई। मैं फिर दोहरा रहा हूं शरद जी, आपके प्रश्न के उत्तर में दोहरा रहा हूं और उतनी बार नहीं दोहराऊंगा जितनी बार आपने प्रश्न किया। हमने पहले ही दिन से कहा था आरक्षण देंगे, उसकी प्रक्रिया तय करके उसको वैधानिक तरीके से देंगे। हम उस दिशा में बढ़ लिए थे, आंदोलन शुरू होने से पहले भी कहा था देंगे, आंदोलन जब चल निकला था तब भी खापों के प्रतिनिधियों को चंडीगढ़ में बुलाकर सरकार बार बार ये कह रही थी कि जाट आरक्षण देंगे, लेकिन शायद थोड़ी देर हो गई थी। सुमित जी के पास चलते, सुमित जी बॉर्डर से खामोश। सुमित जी आपसे मैं एक सवाल करूंगा, उस सवाल का आप जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि जो रिपोर्ट बार बार पहले कहा जा रहा था, हालांकि वीरेन जी सफाई दे चुके हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा, पूरी बात सुनी नहीं गई और पहले ही बात को लेकर चर्चा शुरू कर दी गई, तमाम नेता कह रहे थे कि हम सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं करेंगे और नेताओं ने यह भी कहा था कि कोर्ट में सिर्फ जाएगी रिपोर्ट, सार्वजनिक नहीं की जाएगी। हालांकि वीरेन जी इस पर सफाई दे चुके हैं अपने की नहीं, इससे अधिक बात है आप समझ नहीं गए, हम ये कहना चाह रहे थे वो हो गया। लेकिन टाइमिंग जो है सरकार की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की, जिस तरह से 5 जून को एक बार फिर से आंदोलन होने वाला है, क्या सरकार थोड़ा सा अपना पक्ष साफ करना चाहती है, मजबूत होना चाहती है, इसलिए रिपोर्ट अभी जारी कर दी गई? ये भी सरकार की एक चाल है बरगलाने की। जब जाट नेताओं ने, जाट समुदाय के लोगों ने अपने किसी कार्यक्रम का तारीखें रखे, कोई भी प्रोग्राम रख दिए हैं, तब उससे जस्ट पहले ये लोग इसको सार्वजनिक कर रहे हैं। इसमें भी कोई ना कोई गलत मंशा ही मेरे को बीजेपी की लगती है कि ताकि बरगलाया जाए प्रशासन को, अपने को शक्ति दिखाने के लिए। अब से पहले 5 तारीख जाट नेताओं ने रखा हुआ है। अच्छा, मतलब आप क्या प्रोग्राम है, क्या शेड्यूल है? रहे हैं कि सरकार ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे तो पुलिस अलर्ट रहे, कम से कम ये कहना चाह रहे हैं। सिर्फ फ्लैग मार्च, ड्यूटी फ्लैग मार्च चला रहे, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या हरियाणा की जनता को डराने की राजनीति की जा रही है? आपके पास आता हूँ, जवाब लीजिए, जवाब वीरेन जी। आप परसों तक ये कह रहे थे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की, नहीं की, नहीं की, छिपाया जा रहा है, आज हमने सार्वजनिक कर दी। अब आप कह रहे हैं सुमित जी कि सार्वजनिक क्यों कर दी? सवाल यह है, हमने पहले भी कहा था हाईकोर्ट में तारीख लगी हुई है मामले की, रिपोर्ट वहां जाएगी, उसके बाद की बात बाद में होनी थी, हमने कर दिया। पहले तो आपके नेताओं ने कहा सार्वजनिक नहीं कर सकते। एक मिनट गलत मत कहिए, किसी ने, आप सुनिए तो सही, किसी ने नहीं कहा कि सार्वजनिक, मैं आपके सीएम ने भी कहा। चलिए बस, कम बंदा जी संक्षेप में, हमने बेहद संक्षेप में बता दीजिए बंदा जी, बेहद संक्षेप में बता दीजिए करने का क्या उद्देश्य है? आप कह रहे थे आपको मंजूर नहीं है क्या? आप कह रहे थे, प्रतिपक्ष कह रहा था, कांग्रेस कह रही थी। अरे भाई चलिए, वक्त यहाँ पे क्यों बचा है? प्रोग्राम खत्म करने से पहले बन्ना जी के पास में जाते हैं। बन्ना जी, अब जो 5 जून से जो आंदोलन होने जा रहा है, सरकार ने रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है, क्या आपको लगता है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बाद सरकारी अमले में अधिकारियों पर एक दबाव बनेगा, उस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए? बन्ना जी, मैं उसी के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी प्रश्न नहीं, अब जवाब दीजिए प्रश्न। कार्यवाही होगी, कार्यवाही होगी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी अधिकारी हैं उनको चार्जशीट किया जाता है, और चार्जशीट करने के अंदर अंदर उनको 30 दिन के अंदर आगे उसकी कार्यवाही नहीं की जाती तो वो ऑटोमेटिकली बहाल हो जाते हैं, जो कि होते जा रहे हैं। तो कार्यवाही क्या हो रही है वो हमें दिख ही रहा है कि वो ऑटोमेटिकली बहाल हो जाएंगे। नहीं, कार्रवाई का प्रोसेस होता है? नहीं, प्रोसेस नहीं, चार्जशीट के 30 डेज के अंदर अगर कार्यवाही नहीं की जाए तो बहाल हो जाते हैं, ऐसे एग्जाम्पल भी आए हैं। संक्षेप में जवाब लेते हैं, संक्षेप में, चार्जशीट के दौरान बहाल होना का किस चीज से होता है? अगर आप सस्पेंड किए गए हैं, सस्पेंशन कोई सजा नहीं होती, कानून देश का ये कहता है, वो एक प्रक्रिया है केवल, कुछ समय के लिए उसको, उस व्यक्ति को स्थान से अलग कर दिया जाए। उसमें कोई बहाल भी हो गया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके खिलाफ चार्जशीट के जवाब होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई नहीं हो सकती। जो सस्पेंशन से बहाल हुआ है, अगर वो दोषी है उस प्रक्रिया के दौरान, तो उसको दंडित किया जा सकता है। वीरेन जी, वीरेन जी, आखिरी बात, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, क्या सरकार ने एक संदेश, वीरेन जी आखिरी सवाल बैकअप करने जा रहा हूं जी, संक्षेप में आंसर चाहूंगा आपसे, क्या सरकार ने साफ कर दी अपनी मंशा, अधिकारियों को संदेश दे दिया अगर गलत काम होगा और अगर फर्ज ठीक ढंग से निभाया नहीं जाएगा तो कड़ी कार्रवाई होगी? संदेश अधिकारियों के लिए भी है, संदेश उन लोगों के लिए भी है जो हरियाणा को किसी मायने में दोबारा से उस तरह के दृश्य में ले जाने के सपने संजो रहे हैं। वो उपद्रवी असामाजिक तत्व हो सकते हैं, कोई भी समुदाय, उसके सभ्य लोग, वो
अभद्रता उपद्रव में शामिल नहीं होंगे, लेकिन असामाजिक तत्व किसी भी तबके के हों, किसी भी रंग या जाति के हों, उनको सरकार बख्शेगी नहीं। रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है, चार्जशीट की तैयारी भी की जा रही है। तमाम नेताओं ने, चाहे वो सीएम हो चाहे वो मंत्री हो, साफ साफ आके ये भी कह दिया है कोई कितना बड़ा भी अधिकारी हो, लेकिन इस रिपोर्ट में अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 5 जून से एक बार फिर से आरक्षण आंदोलन की बात की जा रही है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन होगा, लेकिन सरकार ने यह रिपोर्ट सार्वजनिक करके उसके ठीक पहले यह संदेश दे दिया है तमाम लोगों को, तमाम अधिकारियों को, कि अगर इस बार वैसी हिंसा भड़कती है तो जवाब सबको देना होगा और कड़ी कार्रवाई होगी, करके दिखाएगी सरकार। इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए वीरेन जी आपका, वंदना जी आपका और सुमित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एमएचओ न्यूज पर लगातार खबरों का सफर जारी।